कान भी रखे हैं, लेकिन क्लासरूम में, घर में भी उसे, घर में भी आप बात करें थोड़ी सी मुस्कान के साथ बात करें, ये जो मुस्कान होती है इसको स्माइल कहते हैं, ये याद है आपको। लेकिन आप स्मर्क भी याद रखें, ये दो नंबर होती है जो मैं कर रहा हूँ। अभी मैं एक मुसलमान जानते नहीं आप कौन है कौन नहीं, मैं एक एक मेरा कोई भी मेरी नज़र में पहचान में नहीं आ रही, बाजी थोड़ी थोड़ी आ रही, शायद उन्होंने पिछला लेसन सुन। तो ये जो है शनाख्त जो है ना वो आदमी की रहती है उसके स्माइल की वजह से, बात बात स्माइल नहीं आती फिर आप एक्टिविटी करें। मिसाल के तौर पर आप मुझे बता सकते हैं मैंने यहाँ एक्टिविटी क्या की, यहाँ ऐसी बात की जिससे स्माइल आ गई। अभी मैंने कुछ बोल दिया था आपको, हाँ ये सही है, वेल डन वेल डन। ये मैंने इसलिए बोला था कि आप सारे लोग जो है ना वो अपने इसके इस्तेमाल करें, स्माइल को इस्तेमाल करें। बहुत दफा ऐसे हुआ, जैसे ये तो कोई भी गर्मी नहीं है, मैं एक लिया एक शहर था लदाना, वहाँ था तो वहाँ ना नकाब करने की है रवाज लिया में, और भी शहर में है लेकिन लिया जो है उसमें ज़्यादा है, वो जनूबी पंजाब। तो वो ऐसे बरामदा था, सूरज की 2 बजे का टाइम था, सूरज इधर आ रहा था, इधर बच्चियाँ बैठी हुई थी, इधर बच्चों, ऐसा शहर है जहाँ मैंने मेल को बड़ी यानी देखा एजुकेशन में ना बड़ी दिलचस्पी ले। तो 40 लोग थे, 20 के करीब जो थे वो मेल थे और 20 जो थी वो फीमेल थी। अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चियाँ बहुत परेशान बैठी हुई हैं, पसीने से शराबूर है, उनके गुड़के भी वो लाइट वो होएगी तो क्या करेगी, पंखा क्या करता है इतनी गर्मी में, रेगिस्तान की गर्मी। तो मैंने ऐसे अचानक ऐसे हो गया कि एक लड़के ने सवाल कर दिया, कहा ये जो मिस्से हैं ना ये ना जब बच्चे को मार दें एक दिन तो फिर 3 दिन छुट्टी पर चला जाता है, सर इसकी क्या वजह है। तो मैंने कहा ये ना आटा गूंथती हैं उसकी वजह से इनकी कलाइयाँ फूल फूल जिसमें ये किसी को टका दे ना तो बस मरीज हो जाता है, उसको 3 दिन बुखार ही नहीं उतरता। अब बच्चियों में भी बोल्ड हो गई, एक बच्ची जो थी उसने उसका हाथ खड़ा कर दिया, सर मैंने कहा वेलकम। तो कहने लगी सर ये जो टीचर हैं ये तो डंडे से मारते हैं, हम तो हाथ से मारती हैं तो इसकी क्या वजह है। अच्छा वो सारे बड़े बड़े थे शादी के साथ, मैंने कहा कि ये जो मेल है ना ये हाथ जोड़ जोड़ के इनके हाथ कमज़ोर हो गए इसलिए ये फिर डंडे से मारते। तो वो सब लोग जो थे वो एनर्जाइज हुए, तो मैंने अपना लेसन शुरू कर दिया। मुझे पता था अब ये वो जो इनके दिमाग में गर्मी का है ना वो निकल गया है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की ज़ात फरमाती है हम जिसे औलाद देते हैं और दौलत देते हैं उसके इम्तहान लेते हैं, और जिसे हम इलम देते हैं ना उस पर अपना फजल करते हैं।